खबर छतरपुर से है, जहां पन्ना टाइगर रिजर्व के किशनगढ़ वन परिक्षेत्र के वसुधा वीट के कक्ष क्रमांक 521 में नरबाघ का शव मिलने से हड़कंप के हालात बने हुए हैं। बीते एक माह में पन्ना टाइगर रिजर्व में दो बाघों की मौत की घटनाएं सामने आईं। बुधवार 4 जनवरी के एक बाघ की मौत करंट की चपेट में आने से हुई है। जानकारी के अनुसार पन्ना टाइगर रिजर्व के किशनगढ़ रेंज अंतर्गत आने वाले वसुधा बीट के कक्ष क्रमांक 521 में एक नरबाघ और एक हाइना की करंट लगने से मौत का मामला सामने आया है। बाघ की उम्र लगभग 2 वर्ष बताई जा रही है। बताया जाता है कि जंगल में शिकारियों के द्वारा सुअर या अन्य जानवरों को मारने के लिए तार बिछाया गया था, जिसमें करंट की सप्लाई थी, जिसकी चपेट में बाघ और हाइना आ गया और दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हालांकि जानकारी लगते ही फील्ड डायरेक्टर ब्रिजेंद्र झा एवं वन्य जीव विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव कुमार गुप्ता मौके पर पहुंचे और बाघ एवं हायना के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम उपरांत अंतिम संस्कार किया गया। वहीं प्रबंधन के करंट फैलाने वाले आरोपियों तक पहुंचने के लिए डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाकर मौके पर सघन जाँच करवाई है, ताकि आरोपियों तक पहुँचा जा सके। यह टाइगर की जो मौत की घटना प्रकाश में आई है, यह हमारे किशनगढ़ बफर परिक्षेत्र के अंतर्गत है और कल सूचना प्राप्त हुई थी और इसमें एक बाघ और एक हाइना की मृत्यु हुई है। इसमें क्या वजह है, किस वजह से हुई है? इसकी मृत्यु का कारण जो है ये करंट लगना है और यह करंट का जो तार है ये किसी हर्बीवोर से या सुअर आदि को पकड़ने के लिए लगाया गया, जिसके चंगुल में हमारा टाइगर इसमें फंस गया। सर क्या माना जाए, शिकारी सक्रिय हैं पन्ना टाइगर रिजर्व में? नहीं, ये शिकारी वाली कोई घटना नहीं है, यह एक सामान्य जो घटना है उसके तहत ही है, क्योंकि बाघ के सारे पार्ट्स मौजूद थे और घटना को देख के भी ऐसा नहीं लगता कि यह इस पर कोई शिकार का इसमें किसी के तरह का भी प्रयास किया गया है। सर इस प्रकार के मामले सामने आने आए, क्या प्रयास किए जाएंगे पीटीआर के द्वारा? इस तरह के सामने आगे सामने नहीं आए, इसके लिए यह निश्चित तौर पर प्रयास है कि क्षेत्र में लगातार गश्तियाँ की जाएँ और जो इलेक्ट्रिक लाइनें हैं जहाँ जहाँ पर हैं वहाँ पर गश्ती लगातार करें, विद्युत विभाग के माध्यम से जो है जानकारी हासिल की जाए कि कहाँ पर लाइनें टिप होती हैं, क्योंकि जब भी कोई घटना होती है तो उसमें कोई अर्थिंग होने के कारण वहाँ पर लाइट टिप कर जाती है। जन जागरूकता की भी कमी मन में आ रही है? जन जागरूकता भी है, समितियों से गाँव वालों से संवाद अधिक स्थापित करने की भी आवश्यकता है ताकि इस तरह की घटनाओं को रोकने में हम सफल हो सकें। थैंक यू। थैंक यू।